वेरी रॉयल एंट्री, वेरी रॉयल एंट्री। ओह दिस इज राजस्थान का राज्य पशु, मिले सा माहौल। श्री रानी रूपा देव जी मंदिर, ये स्वर्ण मंदिर की तरह बना हुआ है, सोने के पत्थर जैसा बना हुआ है। ये एक्चुअली जैसलमेर के पत्थर से निर्मित है और यहाँ पर है इसका एंट्रेंस। यहाँ से हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। हम पहुंचे हैं मालानी के धनी कहे जाने वाले, जिन्होंने मालानी क्षेत्र की स्थापना और एक अहम योगदान दिया उनकी पवन धरा पर। जो ये स्टील की रेलिंग भी लगी, ये भी गोल्डन रेलिंग एकदम चमक पॉलिश के साथ, और जो पत्थर जो है जैसलमेर से लाया गया विशेष तौर पर, जैसलमेर के पत्थर है ये। डिजाइन बहुत ही शानदार, बारीकी से की गई डिजाइन है। ये जाली पत्थर की जाली, पत्थर की जाली बनाई गई है और चिड़ियों की चिकचिकाहट के साथ मंदिर का वातावरण है जो भक्तिमय हो जाता है और देखने लायक बहुत ही शानदार मंदिर है। ये जो मंदिर है, मंदिर शानदार मंदिर है, परिक्रमा बहुत ही शानदार मंदिर, इस पर परिक्रमा लगाते हुए। ये हवन कुंड है, यहाँ पर कोई भी हवन की प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई शायद मेरे हिसाब से, समय और बात साल में एक बार प्रतिष्ठा होती है वगैरह होती है तब हवन कुंड में। ये देखिए पक्षियाँ हवा में बैठे हैं, पक्षी सारे कबूतर वगैरह परिक्रमा देने के लिए लगाई हुई मैट बिछाई हुई है ताकि पग जले नहीं गर्मी के दिनों में, ताकि पैर नहीं जल पाए। ये क्या बना हुआ? ये पानी का स्टोरेज है, पानी का स्टोरेज के लिए बना हुआ है। टैंक गया है, ये अंदर पॉलिथीन डाला गया है जैसे पानी तीन के चद्दर का। ये दोनों साइड खारा पानी मिक्स नहीं है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है गर्भ ग्रह है दिशाओं को ये होता है। मंदिर का जब वास्तु से निर्माण किया जाता है ना, उस समय वास्तु की कुछ चीजों को, राजस्थानी ऊंट है जो लोग सवारी करते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं। राजस्थान का राज्य पशु कहा जाने वाला कैमल ऊंट। माता के मंदिर में भक्तों का आज रेला है, मेला सा लग रहा है, भक्त मेले का माहौल बना रही है। पर जो है पत्थर के बनाए हुए वाइट श्वेत घोड़े मकराने के मार्बल से बने हुए, संगमरमर का पत्थर बोलते हैं, संगमरमर से बने हुए। ये भगवान नाग देवता जी का मंदिर है, मारवाड़ी में गोगा जी देव जी कहते हैं, राजस्थानी गोक चौहान चौहान कहा जाता है। कि भाई जब मीरा जब रूपा देवी जी भक्ति करने गई थी तो अपने सेज पर नाग देवता को सुला के गए थे नाथ जी के। मंदिर में आने वाले सभी भक्तों से अनुरोध है कि कभी भी आप मंदिर पधारे तो भेंट पात्र में भेंट जरूर डालें। इस भेंट पात्र का हमेशा हिस्सा जो है मंदिर के निर्माण में काम आता है, कहीं न कहीं तो काम आता ही है। आप यही जाते हैं 10-20 रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन इसमें डाला गया भेंट हमेशा मंदिर में ही काम आता है। मंदिर में अगर आप 10-20 रुपए दान करते हैं तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं मंदिर के निर्माण में काम आता है। मान लीजिए आप 1-2 ईंट तो आपके पैसों की आती ही आती है।
मंदिर प्रांगण के आगे लगा हुआ गार्डन विशाल का है और यहाँ पे स्कूल की छात्राएं पानी पिलाती हुई लगता है निजी। हाँ हाँ संडे है फिर भी बच्ची आई है पानी वगैरह पिलाने के लिए, इनका बहुत ही अच्छा सहयोग है स्कूल की तरफ से। पेड़ पौधों में देखिए इनका, वापस एग्जिट गेट के सामने देखिए ऊंट की सवारी पर कुछ भक्त यहाँ पे आए हैं दशनाथ के लिए। बच्चे जो है ऊंट की सवारी का लाभ भी उठा रहे हैं, आइसक्रीम गर्मी के मौसम में आइसक्रीम वगैरह का भी लगा हुआ है मजी से आइसक्रीम। अब हम यहाँ से चलेंगे, दो मंदिर और है छोटे छोटे, माया जाल मंदिर और एक छोटा मंदिर और है जिसका मुझे नॉलेज नहीं है वहाँ जाने के बाद। और आप यहाँ आए हैं तो देखिए ये जो www.malani.org.in है इस पर एक बार विजिट करके अपना फीडबैक जरूर दें मंदिर के बारे में, मंदिर आपको कैसा लगा, और इस फीडबैक और वेबसाइट को शेयर जरूर करें ताकि अपने राजस्थान टूरिज्म विभाग को भी पता चले और देवस्थ विभाग को पता चले भाई यहाँ काफ़ी संख्या में भक्त जो आते हैं। देखिए भीड़ देखिए इतना दूर होते हुए भी लोग आते हैं यहाँ मंदिर में। कैसा लग रहा है आपको मंदिर का? बहुत ही सुख शांति की अनुभूति हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं स्वर्ग में पहुंच गए हम, अपने आप में एक भगवान की फीलिंग अंदर आती है मंदिर में पहुंचने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में किसी मंदिर में आए हैं और किसी देवी स्थल पर खुश हो जाता है एकदम। मंदिर की जो ये आवाज और रौनक चहल पहल से दिल ठंडा हो जाता है एकदम, शांत भी हो जाता है। दिखने में तो बाबूजी बहुत धूप लग रही है लेकिन मंदिर में आने के बाद जो पेड़ पौधों की जो ठंडक है आपको एकदम मन करेगा आप यहीं बैठे रहें या सो जाएं। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ ऐसा कार्य करें ताकि दिन भर आपको निकलने का मौका न मिले, ठंडक रहती है। आइए साथ में आए हुए एक दो भक्तों से और बातचीत वार्तालाप करते हैं। हमारे साथ पधारे श्रीमान धनराज जी पालीवाल, आप बताइए धनजीबा यहाँ के आपको कैसा महसूस हो रहा है, किस तरीके? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, देवी के चरणों में आके आनंद आ रहा है, अच्छा है, वर्क से आराम शाम हरियाली है। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत से आनंद आ रहा है और मतलब आप मन करता है कि आप यहाँ पे हर महीने में एक बार हाजिर लगाने जरूर आए।